नमस्कार। फिल्मी बातों में आज पेश है, धर्मेंद्र ने क्यों तोड़ा राजेंद्र कुमार का दिल। आज के इस एपिसोड में इसी बात पे चर्चा की जाएगी। दोस्तों, मैं हूँ राजेश्वर मधुकर और आज फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज की चर्चा कि धर्मेंद्र ने आखिर क्यों तोड़ा राजेंद्र कुमार का दिल, आज इसी बात पे चर्चा की जाएगी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोग ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, फिल्मों के हिट होने के बाद कई बार बाद में पता चलता है कि पहले किसी और को अप्रोच किया गया था। साल 1965 में एक ऐसी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसमें राजेंद्र कुमार के साथ खास किरदार के लिए धर्मेंद्र से बात की गई थी, लेकिन ही मैन ने साफ इनकार कर दिया था। बाद में यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है आरजू। रामानंद सागर 15 जनवरी 1965 को फिल्म आरजू लेकर आए थे। जिंदगी की कहानी पर बनी यह फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रेसिंग मूवीज में से एक थी। फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। फिल्म में राजेंद्र कुमार के अपोजिट साधना थी, वहीं सेकेंड लीड के रूप में फिरोज़ खान नज़र आए थे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार कहा जाता था क्योंकि उनकी हर फिल्म लंबे समय तक सिनेमा घरों में लगी रहती थी। ऐसा ही कुछ फिल्म आरजू के साथ भी हुआ था। सिल्वर जुबली साबित हुई और इससे उस दौर में 4 करोड़ का बिजनेस किया गया। यह राजेंद्र कुमार की सफलतम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, फिल्म आरजू की कास्टिंग के समय रामानंद सागर कुछ परेशान हो गए थे। फिल्म में लीड रोल के लिए तो राजेंद्र और साधना फिक्स हो गए थे, लेकिन सेकेंड लीड के लिए ये एक खास चेहरा तलाश रहे थे। ऐसे में उस दौर में सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे धर्मेंद्र को वो लेना चाहते थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने धर्मेंद्र से बात करने की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र पहले एक साथ काम कर चुके थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार को लग रहा था कि धर्मेंद्र आसानी से फिल्म के लिए हामी भर देंगे। जब राजेंद्र कुमार ने फिल्म को लेकर धर्मेंद्र से बात की तो धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया। दरअसल वो उसके कैरियर का पीक समय था और उन्हें लीड रोल मिल रहे थे। ऐसे में उन्होंने सेकेंड लीड करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक खास ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र के बाद फिरोज खान की इस फिल्म में एंट्री हुई और इसका श्रेय भी राजेंद्र कुमार को जाता है। राजेंद्र कुमार जब एक फिल्म को करने के लिए मद्रास गए तो वहीं उन्होंने फिरोज खान को देखा और वहीं फिरोज उनके भाई नरेश के साथ एक फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में काम कर रहे थे। राजेंद्र ने फिरोज को फिल्म आरजू का प्रस्ताव दिया और फिरोज खान मान गए। इस तरह राजेंद्र कुमार के प्रस्ताव को जो धर्मेंद्र ने ठुकरा दिया उससे राजेंद्र कुमार का दिल टूट गया, क्योंकि राजेंद्र कुमार को यह पूरा विश्वास था कि धर्मेंद्र कभी भी उनकी बात को ठुकराएंगे नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना के बाद से राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र में मनमुटाव
बढ़ गया। तो दोस्तों ये थी बात कि आखिर धर्मेंद्र ने राजेंद्र कुमार का दिल क्यों तोड़ा। दोस्तों राजेश्वर इंटरटेनमेंट द्वारा इसी चैनल पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जीनत अमान, गोविंदा और राजेंद्र कुमार के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।